अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म जो कि ईद उल अज़हा पर आ रही है, हीर मान जा। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है रिव्यू करेंगे कैसी ये मूवी है, आपको क्या ईद उल अज़हा पर ये मूवी पाकिस्तानी सिनेमा में देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फिल्म का टीज़र लास्ट मंथ रिलीज़ हुआ था और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और दोस्तों अब फिल्म हीर मान जा का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। दोस्तों ट्रेलर की जो लुक है वो बहुत ही कलरफुल और जो है वो एंटरटेनिंग है। इस ट्रेलर में हमें कॉमेडी भी नज़र आ रही है, एक्शन भी नज़र आ रहा है और दोस्तों इसमें हमें इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट मसाला पैकेज ट्रेलर हमें दिख रहा है। दोस्तों ये जो फिल्म है वो काफ़ी रोमांटिक और कॉमेडी, और इसके साथ साथ जो फिल्म में हमें म्यूजिक नज़र आ रहा है वो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों इस ट्रेलर में एक पूरा मसाला पैकेज देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है ईद उल अज़हा पर, और ईद पर मज़ीद दो फिल्में इसके साथ रिलीज़ होने जा रही हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर से एक चीज़ वाज़े हो गई है कि ये फिल्म दूसरी रिलीज़ होने वाली फिल्मों से काफ़ी डिफरेंस है। दोस्तों अब अगर हम इस टीम की बात करें तो इस टीम ने पहले हमें पर्ची और जनान जैसी फिल्में लाई, और जो पर्ची जो है वो एक हिट फिल्म साबित हुई और जनान एक जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो बिजनेस इसने भी जो है वो किया। और दोस्तों इन मेकर्स से जो है वो हम काफ़ी कुछ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि फिल्म जानान भी ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हुई थी और उस वक्त फिल्म का बड़ा कंपटीशन था एक्टर इन लॉ के साथ। लेकिन इसके बावजूद फिल्म जानान ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। लेकिन इस ईद पर भी इस फिल्म का जो है वो काफ़ी बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है दूसरी रिलीज़ होने वाली फिल्मों के साथ, जो कि हैं सुपरस्टार और परे हट लव। उन दोनों फिल्मों के भी ट्रेलर्स आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों देखना ये है कि अब ये फिल्म कैसी रहती है। ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और ट्रेलर में हमें जो है वो एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही स्पेशली हरीम फारूक और अली रहमान खान और इसके साथ जो दूसरी कास्ट है वो भी काफ़ी हमें अच्छी नज़र आ रही है, जिनमें कुछ एक्टर्स के कैम्यूज़ हैं इस फिल्म में। आमना शेख हैं, वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। दोस्तों स्पेशली मैं यहाँ पे फैज़ान शेख की बात करूँगा, जो इस फिल्म में हमें एक विलन नज़र आए हैं। विलन के तौर पर ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये फिल्म जो है वो बड़ी स्क्रीन पर रिलीज़ होगी तो हमें फैज़ान शेख की परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी मिलेगी जितनी हमें जो है वो ट्रेलर में नज़र आ रही है। और दोस्तों यहाँ पे आखिर में ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको रोमांस, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ मिलेगा। और स्पेशली मुझे इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी फिल्म हीर मान जा का जो है वो कुछ रिव्यू। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।